भारत में प्रेसिडेंट के लिए मानक शीर्षक हिंदी शब्द राष्ट्रपति है। हालांकि पति का अनुवाद हस्बैंड के रूप में होता है। अब जबकि हमारी नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक महिला है, हमें उन्हें महिला राष्ट्रपति के रूप में संबोधित करना चाहिए। एक इंटरव्यू में जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी विभिन्न मुद्दों पर अपनी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे, तभी उन्होंने मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर बुलाया। पत्नी का हिंदी मतलब वाइफ होता है, इसलिए यह गलत शब्द था। चौधरी ने तुरंत माफी मांगी। हालांकि भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मंगवाना चाहती है। वे चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी माफी मांगे क्योंकि चौधरी के बयान को उन्होंने मंजूरी दी थी। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि सोनिया दलित विरोधी और आदिवासी विरोधी है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यहां तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ईरानी से सहमति जताते हुए माफी की मांग की। उन्होंने माफी की मांग की क्योंकि यह सभी महिलाओं का अपमान है। सीतारमण ने कहा, मैं सोनिया गांधी से माफी की मांग करती हूं जो खुद एक महिला है, और वह इस तरह का अपमान कैसे स्वीकार कर सकती है। यह अस्वीकार्य है और मैं माफी की मांग करती हूं। जब यह सब हो रहा था, सोनिया गांधी सांसद भवन में चलकर भाजपा सांसद रमा देवी से बात करने लगी। तभी स्मृति ईरानी उठ खड़ी हुई और चिल्लाने लगी। उसने माफी की मांग की क्योंकि वह दलित विरोधी, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी है। सभी ने खड़े होकर सांसद में माफी की मांग की। इस बीच कांग्रेस के चौधरी ने कहा कि वह पहले ही जुबान फिसलने के लिए माफी मांग चुके हैं और भाजपा पर जीएसटी, व्यापार, मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा को रोकने का आरोप लगाया। अपने जवाब में सोनिया गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि चौधरी पहले ही माफी मांग चुके हैं। उन्होंने अपनी माफी के बारे में कुछ नहीं कहा। अभद्र व्यवहार के कारण स्पीकर ने 4 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया था और राज्यसभा से भी 20 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।